कि हिमाचल में बरसात के बाद अब तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इधर सीएम सुक्खू ने अभी तक के रेस्क्यू को लेकर जानकारी दी है। चंद्रताल में रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। अभी तक 60,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सीएम सुक्खू की तरफ से दी गई है जानकारी। नदी नाले इस वक्त उफान पर बह रहे हैं। कुल्लू के कई इलाकों में फंसे गए विदेशी सैलानी जिन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। और यहां आपको बता दें कि एम्बेसी चौपर से फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। नदी नाले उफान पर है, पुल बह गए हैं, सड़कें बह गई हैं। ऐसे में अब चौपर से रेस्क्यू किया जाएगा, यानी कि अब हेलीकॉप्टर आएगा, एम्बेसी का हेलीकॉप्टर होगा जो विदेशी नागरिकों को यहाँ से बाहर निकालेगा। आपको बता दें जिस वक्त भारी बरसात का एक कहर बरपा, उस वक्त बताया जाता है हजारों की संख्या में पर्यटक कुल्लू में घूमने आए थे, इसमें विदेशी नागरिक भी थे। और जिस तरह बरसात ने रौंद रूप इख्तियार कर लिया, नदियां तमाम किनारे तोड़कर शहरों में घुस गई, तमाम रास्ते इस वक्त लगभग बंद हो गए हैं। बहुत से रास्ते ऐसे गए जो पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक वाहन है जो लहरों की जद में आके आके बहता जा रहा है। किस तरह के हालात बन रखे हैं, कल कल कर बहती ये नदियां आज रौंद रूप में नजर आ रही है। तकरीबन मुझे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आज तीसरा दिन है और तकरीबन 60 घंटे के करीब हो चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की है, मैं सभी अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं और पुलिस बिजली विभाग के और पानी के सभी लोगों का, अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 48 घंटे में पहाड़ की स्थिति को देखते हुए हमने टेम्परेरी बिजली भी बहाल कर दी है, पानी भी बहाल कर दिया है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहाल कर दी है। और तकरीबन 70,000 पर्यटकों में से 60,000 पर्यटकों को हमने यहां से सेफली निकाल दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप का हम रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं प्रदीप। तो आपको हम बताएंगे कि किस तरह से फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम सुक्खू की तरफ से तमाम जानकारियां दी गई हैं। प्रदीप का हम रुख करने वाले हैं। प्रदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी आपके पास रेस्क्यू अभियान को लेकर? सीएम सुक्खू ने भी जानकारी दी है, किस तरह का रेस्क्यू अभियान फिलहाल नजर आता है, क्या स्थिति फिलहाल बन रही है प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए आरती, इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसमें सबसे ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन था वो लाहौल स्पीति के चंद्रताल में लगभग 300 से ज़्यादा लोग, पर्यटक और गैर पर्यटक वहां पर फंसे हुए थे, उनको निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन था। और पिछले कल मुख्यमंत्री ने वहाँ पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और CPS संजय अवस्थी को भेजा था। आज जानकारी वहाँ से ये है कि जो चंद्रताल से लोसर तक का क्षेत्र है, लगभग 41 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, तो इस जो पूरे इस स्ट्रेच में अलग अलग जगह पर बर्फबारी हुई है और उसको, बर्फ को काटकर रास्ता बनाया गया है और ये सभी जो यात्री हैं वो अब लोसर पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी अब तक उपलब्ध है। और लगभग ज़्यादातर यात्री जो वहां पर हैं, जो फंसे हुए लोग थे, वो लोसर पहुंच चुके हैं और यहां से उन्हें बसों के जरिए और गाड़ियों के जरिए काजा पहुंचाया जाएगा, वहां उनका कैंप होगा, उसके बाद उन्हें आगे भेजा जाएगा। तो ये सबसे टफ, हम कह सकते हैं कि सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान इसको कहा जा सकता है। और खुद मौके पर वहाँ चंद्रताल में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी पहुंचे, CPS संजय अवस्थी भी थे और जो लाहौल स्पीति के SP हैं वो भी वहां पर खुद मौके पर मौजूद थे, डे वन से लेकर और अब लास्ट तक वहीं पर वो मौजूद रहे। सबसे अंतिम वहां से अगर कोई निकलने वाला व्यक्ति था तो वो लाहौल स्पीति के SP थे, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट फोन था, उसके जरिए लगातार कॉन्टैक्ट हो रहा था। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये लोग फंसे वहां पर, क्योंकि अचानक से बर्फबारी हुई चंद्रताल में और उसके बाद वहां पर सारे लोग फंस गए, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, उसी दौरान यहां पर जो SP है वो उसी क्षेत्र में उस वक्त जो है वो पेट्रोलिंग करके वहां जा रहे थे। तो ऐसे में उनको जब जानकारी मिली कि चंद्रताल में लोग फंसे हैं तो वो मौके पर पहुंचे। अगर वो वहां पर मौके पर नहीं पहुंचते तो स्थिति कुछ और हो सकती थी, भयावह स्थिति हो सकती थी, लेकिन सभी का सौभाग्य रहा कि उन्हें समय रहते जो है प्रशासन को भी इन सभी फंसे लोगों की जानकारी मिली और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा।
हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहले कोशिश हुई थी कि वहां पर लोगों को एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन वहां पर लैंडिंग साइट नहीं थी तो इस वजह से दिक्कत आई और फिर उनको पैदल ही यहां पर सभी फंसे हुए लोगों को लोसर पहुंचाना पड़ा। उसके बाद अब जानकारी है कि एक टीम वहां पर पहुंच चुकी है जो फंसे हुए लोग थे और उनको आगे काजा के लिए शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ लाहौल स्पीति में कुछ और लोग भी फंसे थे लेकिन उन्हें निकाला जा रहा है वहां पर। ये जो काजा लाए जाएंगे लोग उन्हें भी जो है काजा होते हुए लाया जाएगा और कुछ को मनाली की तरफ से लाया जाएगा। और दूसरी तरफ जो कुल्लू मनाली में फंसे थे लोग उनको लेकर अब सोचना ये है कि कुल्लू में लगभग 10,000 के करीब लोग वो केवल सोल बैच जो मणिकर्ण वैली है वहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने का भी क्रम चला है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे यहां से अभी क्योंकि हमारे वाहन वहां पर जो गाड़ियां हैं वो उस क्षेत्र में है। तो ऐसे में पुलिस ने और सरकार ने उनको आश्वासन दिया है कि आपको एक स्लिप एक चिट दी जाएगी, उसमें आपका गाड़ी का नंबर होगा और उसके बाद जब रोड थ्रू हो जाएंगे तो आप अपनी गाड़ियों को जो आपका सामान है उसको ले जा सकते हैं, अभी आप अपनी जान बचाइए। इसके साथ साथ जिला कुल्लू में ही जो बाकी जगह लोग फंसे हैं और उसके साथ साथ हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग फंसे हैं उसमें पर्यटक भी हैं, विदेशी पर्यटक भी हैं और कुल मिलाकर ये 50,000 से ज्यादा की संख्या बनती है जिनको प्रशासन अब तक निकाल चुका है और जो बचे हुए हैं उनको निकालने का क्रम चला हुआ है क्योंकि कुल्लू में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आई। इसकी वजह ये थी कि मनाली कि कुल्लू में बहुत दिक्कतें आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में, बिल्कुल ठप हो गया था जी प्रदीप बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया है कि कुल्लू में सबसे ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं और इसी बीच एक बार हम नेता प्रतिपक्ष का कुछ बयान सामने आ रहा है वो दर्शकों को सुनवाते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे 126 मेगावाट का हमारा लार्ज प्रोजेक्ट वो शटडाउन हो गया क्योंकि सिल्ट इसके अंदर इस कदर घुस गई कि वो मालूम नहीं अब कब तक ठीक हो पाएगा, बहुत वक्त लगेगा उसमें भी। और बहुत सारे पुल बह करके गए और मंडी जिला के अंतर्गत 100 ईयर्स का 100 साल पुराना पुल बह गया, बहुत बड़ा पंडो के पास मंडी के पास पुल बह गया। एक और पुल है कून कतर का, बहुत बड़ा पुल था वो भी बह करके चला गया। इसलिए लगभग 30 से ज़्यादा बड़े पुल ब्रिजेस जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो बह करके चले गए और जिसके कारण कनेक्टिविटी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और उसी तरह से हम और चीज़ों को भी अगर देखें, पानी नहीं है, सीवर की लाइन बिल्कुल नष्ट हो गई है। मंडी शहर की बात करूं मैं, कुल्लू की बात करूं मैं, मनाली की बात करूं मैं और उसी तरह से परवानू की अगर बात करूं मैं, उसी तरह से मैं और जगह की बात करूं तो बहुत बड़ा उसका नुकसान हुआ है। पावर सप्लाई पिछले एक हफ्ते से हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में नहीं है और सबसे ख़राब चीज़ जिसके कारण बहुत बड़ी कठिनाई हुई वो ये हुई कि जो हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम टोटल कलेप्स होकर गया। जो लोग दूर दराज के इलाके में जाकर के फंस गए थे वो संपर्क अपने परिवार के लोगों से भी नहीं कर पा रहे और ऐसे में परेशानी तो है। लेकिन फिर भी हिमाचल की एक खासियत है, ऐसे दौर आते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद खड़ा होता है। वक्त लगेगा लेकिन मैं केंद्र सरकार का विशेष तौर से इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी ओर से बहुत बड़ी मदद हिमाचल प्रदेश को, आदरणीय अमित शाह जी ने तुरंत सब जगह जो NDRF की टीम जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ पहुँचाने में काम किया। विपक्ष जयराम ठाकुर को केंद्र सरकार का आभार जताते नजर आए हैं कि प्रदेश के लिए एक बड़ी राशि जारी की गई है और इधर लगातार राहत बचाव कार्य चल रखे गए। एक बार फिर से खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप का हम रुख करते हैं। प्रदीप, जैसा कि आप बता रहे थे कि कुल्लू में कई रास्ते बह गए हैं, इधर नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है और बताया जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल है, बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी यहाँ फंसे हुए हैं। क्या लगता है कुल्लू में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आखिर कब तक चलेगा और कब तक तमाम लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा? बिल्कुल, देखिए कुल्लू में जो लोग फंसे हुए थे, चाहे मनाली में फंसे थे या फिर जो तीर्थन वैली है, बंजार का क्षेत्र है, मणिकर्ण का क्षेत्र है, वहां पर जो लोग फंसे हुए थे उनमें से ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है जो आइडेंटिफाई हो चुके थे। पहले उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया था, वहां पर ब्लैकआउट पूरी तरह से था। अब बिजली वहां पर जो मुख्यालय है वहां पर बिजली आ चुकी है तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी है चाहे बाकी कनेक्टिविटी के लिए जो जरिए
हैं वो एक साधन जो है मिल गया है, लेकिन अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग मिसिंग भी है, ये भी जानकारी है। अभी चार दिन की जानकारी जो सरकार के पास आई है कि 33 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें कुछ लापता भी है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। और इसकी वजह ये है कि जैसे अगर हम कसोल क्षेत्र की बात करें, वहां पर जब बाढ़ आई थी तो बहुत सारे वाहन उसमें दब गए हैं, और वहां पर किस तरह की स्थिति है ये दूसरे चरण में ये सारा काम होना है। अभी जो लोग फंसे हैं, जो जिंदा है, जिनके साथ कॉन्टेक्ट हो चुका है, उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि कोई लोग फंसे हुए तो नहीं है, या फिर ये भी देखा गया आज कुल्लू में डेड बॉडीज भी बहुत मिली है, चाहे भुंतर की बात करें, बाकी भी जो आसपास के क्षेत्र हैं, और इसी तरह से जो मनाली की तरफ से जब फ्लड आया उस वक्त भी कुछ वाहन जो है इसमें बाढ़ में बह गए थे, उसमें पंजाब रोडवेज की एक बस भी है, वहां पर क्या स्थिति है, क्या उस बस में कोई यात्री तो नहीं था? बिल्कुल, तमाम तरह की जानकारियां बाद में ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगी, फिलहाल यही निकलकर सामने आया है कि बहुत सी डेड बॉडी भी मिली है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मंडी में भारी बरसात से हालात काफी खराब हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम सुक्खू ने खुद दौरा किया है। मंडी जिले के थुनाग पहुंचकर सीएम ने दौरा किया। सीएम सुक्खू ने बरसात से हुए नुकसान का जायजा भी लिया है। भारी बरसात के बाद अब तबाही का मंजर सामने आ रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कें गायब हो गई है, बहुत से पुल बह गए हैं। अब स्थिति यह है कि एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बताया ये जाता है कि बहुत सी जगहों पर प्रदेश में डेड बॉडी भी मिली है। और इधर अब सीएम सुक्खू खुद जायजा लेने पहुंचे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का। बड़ी बात यह है कि ना केवल नदी नाले उफान पर आ गए हैं, बल्कि बहुत सी जगहों पर इस वक्त लैंडस्लाइड हो रहा है, बार बार सड़कों पर मलबा आ रहा है। भारी बरसात के बाद अब मलबा हटाने का काम जारी है। तस्वीरें आप देखिए, ये तब का मंजर है जब अचानक से सैलाब आया था। सैलाब आया, अपने साथ तूफान ले आया, जो भी जद में आता गया उसे बहाता लेता चला गया। अब कई डेड बॉडीज भी बताया जाता है कि बरामद हुई है। कुल्लू से खबर के विक्रमादित्य सिंह, एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक पर। जी हां, कैबिनेट मंत्री बोले हैं खबरें अभी तक पर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे विक्रमादित्य सिंह। और विक्रमादित्य सिंह के साथ मौजूद रखी है प्रतिभा सिंह, और कहा यह गया है कि आदेशों पर काम कर रखे हैं अधिकारी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा सड़कों को रिपेयर किया जा रहा है। मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह इस वक्त रायसेन पहुंचे थे जायजा लेने के लिए। सर, बहुत सी त्रासदी हुई है, पूरे हिमाचल में हुई है, कुल्लू में और मनाली में ज़्यादा त्रासदी हुई है, किस तरह से देखते हैं इसको? बहुत अनफॉर्चुनेट है जो भी हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, थोड़ा जानमाल का भी हुआ है और प्रॉपर्टी का हुआ है, सड़कों का हुआ है, ब्रिजेस का हुआ है, तो हम इसमें पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है डिपार्टमेंट से, हम मिलकर फिर से रीबिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मांगा है, तो मिलकर आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द जो है वो इलाके को वापस उसकी विकास की पटरी पर आगे लेकर जाएंगे। जैसे कि केंद्र सरकार से आपको एक पैकेज चाहिए था, उस पैकेज में क्या लगता है आपको जो बेहतर पैकेज था वो मिला है? मुझे विश्वास है कि मिलेगा, जो भी हमने मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं तो पूरा पैकेज भी मिलेगा और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं कि तुरंत प्रभाव से जो है सड़कों को, बिजली पानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, देखा भी है हमने कि काम जोर युद्ध स्तर पर चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल चल रहा है, आपको देख रहे हैं, हम खुद ग्राउंड जीरो पे हैं और खुद हर जगह जा रहे हैं जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है। आज सुबह से मैं लगा हुआ हूँ और हमारे सभी और सहयोगी मंत्री भी लगे हुए हैं और क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी भी 2 दिन इलाके का दौरा करके गए हैं, तो सब काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, सब प्रशासन भी काम कर रहा है, तो मिलकर कर रहे हैं। अब समय लगेगा ज़रूर क्योंकि इतना नुकसान हुआ है, पर मुझे विश्वास है कि हम जल्द जो है वो सामान्य परिस्थिति कुल्लू मनाली के अंदर बना लेंगे। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने कहा है कि सामान्य स्थिति जो है वो जल्द ही बना ली जाएगी और सड़कों का जो रिपेयरिंग का काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। रायसेन से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज दिमाग। इस वक्त हम मौजूद हैं रायसेन में, जहां पर पूरे का पूरा NH बह चुका है, पूरा बड़ा पुल था वो बह चुका है, सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस रास्ते को देखिए, अभी फिलहाल 2 दिनों के भीतर जो है वो ये रास्ता निकाला गया है, पूरी कनेक्टिविटी टूट गई थी, JCB की मशीन लगी हुई है और PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह और सांसद रानी प्रताप सिंह यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं कि निरीक्षण करने के लिए जो है वो विक्रमादित्य सिंह जो PWD मिनिस्टर है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं, रानी प्रताप सिंह जो सांसद है वो इस वक्त यहां पर मौजूद है और इस पूरी जो ये त्रासदी हुई है इसका पूरा जायजा इन्होंने लिया है। और ऐसे में लगातार से जो है वो रिपेयरिंग का काम जोरों शोरों पर चल रहा है, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने कोई कमी छोड़ी हो, सरकार लगातार जो है प्रयासरत है कि जल्द से जल्द सभी सड़कों को जो है बहाल किया जाए। और ऐसे में कोई भी मंत्री जो है वो इस
त्रासदी से अछूता नहीं है। हर कोई मंत्री जो है आप यहाँ अपनी दस्तक दे रहा है और कुछ देर पहले जो है विक्रमादित्य सिंह रायसन पहुँचे हैं, उनके साथ रानी प्रतिभा सिंह हैं जो इस पूरे घटनाक्रम की जो है वो जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुँचे। और मैं वो होटल भी दिखाना चाहता हूँ, रह गया था, नहीं कैमरा पहुँच पा रहा था, वहाँ आने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं पहुँच पा रहा था। ये देखिए, ये पहाड़ के ऊपर जो है ये बड़ा होटल है, ये होटल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये देख सकते हैं, अगर हल्का सा भी लैंडस्लाइड आता है तो होटल भी ये नीचे आ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सड़क का काम जो है वो चल रहा है और JCB की मशीनों से ये काम जो है वो करवाया जा रहा है। साथ में ब्यास नदी बह रही है, ये देखिए बिल्कुल, जी हाँ, ये बिल्कुल साथ में ब्यास नदी बह रही है। इस ब्यास नदी ने ही इस सारे NH को अपने आगोश में लिया है। बड़ा पुल था, वो भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अब जो है, अब कहीं ना कहीं JCB की मशीन से जो है वो काम जो है वो चल रहा है और JCB की मशीनों से इस सड़क को बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि जो कनेक्टिविटी टूटी है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर बना ली जाए। क्योंकि जो नगर वाला रास्ता है वो काफ़ी कंजेस्टेड रास्ता है, वहाँ से गाड़ी की आवाजाही करना बहुत मुश्किल हो रही है। अगर दोनों रास्ते जल्दी रिपेयर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जो आने वाले जो पर्यटक है, जो आ रहे हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको यहाँ पर लाने के लिए जल्दी से जल्दी जो है वो हो सकती है। रायसेन से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक। कुल्लू में भारी बरसात से काफी नुकसान हुआ है। जयराम ठाकुर ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। भुंतर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करते नजर आए, हालात का जायजा लेते नजर आए हैं कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि आफत की ये बरसात जब आई तो अपने साथ सैलाब ले आई, नदी नाले उफान पर आ गए, बहुत से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जाने कितने के पर्यटक फंस गए थे। कुल्लू जिला के अंतर्गत भुंतर का ये इलाका है और इसमें पंचायत और नगर पंचायत दोनों का ये जो डैमेज हुआ है बारिश के कारण, और उस सारी चीज़ को मैं देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं इस बात को मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि जो नुकसान हुआ है वो इतना ज़्यादा है और जिसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। लोगों के बहुत बड़े बड़े मकान तबाह हो गए हैं, लोग घर से बेघर हो गए हैं ऐसी परिस्थिति में, और विशेष तौर से उसमें जो डैमेज हुआ है, यहाँ पर दोनों जो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, ब्यास और हमारी पार्वती, दोनों के मिलने के कारण जो नेचुरल जो कोर्स है उसका जो है वो उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा डाइवर्सन आ गया है, उसको उसके कारण मेजर डैमेज हुआ है। मैं सारे विषय को लेकर के प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखूंगा और केंद्र सरकार के समक्ष भी रखूंगा, और मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि केंद्र की ओर से पूरी मदद हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF की पूरी टीमें लगी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की टीमें यहाँ पर लोगों को शिफ्ट करने में लगी हैं। अभी जो भी आपदा से पीड़ित हैं उन लोगों से सब मिले, आज विशेष रूप से हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी हमारे बीच में आए और पीड़ित लोगों से मिले और उन्हें आश्वासन भी दिया कि जो जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, मुआवजा दिलाया जाएगा, ऐसा अभी ठाकुर साहब ने हमसे। इसकी मेरे आंकड़े के अनुसार तो अभी जो हाल ही में अभी देख रही हूँ मैं, कम से कम 20-30 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिससे लोगों के होटलियर हैं, जो लोगों के मकान हैं सब धंस गए हैं। हमारे पुराने ब्रिज, दो ब्रिज थे बहुत पुराने, दोनों ब्रिज जो है बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। मैं चाहूँगी कि सरकार से, आपके अंदर सरकार की मदद से इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया, ताकि लोग अपने रोज़मर्रा की जिंदगी, बिजली पानी का आज छठा दिन है, बिजली नहीं है और गैस भी नहीं है, गैस भी ख़त्म है, गैस भी नहीं मिल रही है, फिर मोबाइल का भी यही हुआ कि जनरेटर को चलाता तो मोबाइल रिचार्ज करते, छठा दिन है आज, पानी का भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपने आप कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जयराम ठाकुर अभी विजिट करके गए, उनका क्या कहना है, क्या बातचीत हुई उनसे? उनसे तो बातचीत नहीं हुई, उन्होंने बोला देखेंगे बस, सर ऐसे बोल रहे हैं। निचले पुल का भी है बुरा हाल है, उसका भी दिखाया था मैंने, तो बोलते कि हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पुल है ना अब बाजार की कटिंग सारी हो गई है, ये तो बन गया जैसे इंडिया और पाकिस्तान, बस उसमें पार चलने को बिल्कुल रोड भी नहीं है। एक बड़ी खबर यह है कि कुल्लू में बरसात के बाद हालात काफी खराब हैं। कई इलाकों में बिजली पानी की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि बिजली पानी पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सैलाब आया,
चला गया लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया है। लोगों को परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। नेटवर्क ना होने के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, बिजली है नहीं। कभी यहाँ पर जनरेटर चलाकर लोग मोबाइल चार्ज कर रखे हैं, अपनों से संपर्क करने का प्रयास कर रखे हैं। पानी टैंकर से लाया जा रहा है और जिस तरह से सैलाब आया गुजर गया और अपने साथ जाने कितनी ही परेशानियां लेकर आए हैं। लोगों को भारी परेशानियां इस वक्त झेलनी पड़ रही है। बिजली पानी की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। किन्नौर से बड़ी खबर है, पूर्वनी झूला के पास NH5 अवरुद्ध हो गया है। NH5 पर चट्टाने आ गिरी है, पहाड़ी से लगातार चट्टाने गिरती देखी गई है। यहां आपको बता दें कि NH5 पूरी तरह से बंद, NH5 को बहाल करने में प्रशासन जुटा है। प्रशासन ने लोगों से अपील जरूर की है कि देखिए बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें, क्योंकि ये वो दौर है जब बरसात के बाद बार बार भूस्खलन एक बड़ी समस्या बन रहा है। कई रास्ते बंद हो गए हैं। NH5 की तस्वीरें आप देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी से आकर गिर गए हैं। ये वो वक्त जब बड़ी संख्या में सैलानी गर्मियों के इस मौसम में पहाड़ों पर लुफ्त उठाने जाते थे, लेकिन इस वक्त जो लोग घूमने गए हुए हैं हिमाचल, उनमें से बड़ी संख्या में लोग वहां फंस गए थे। कुछ को रेस्क्यू किया गया है, कुछ अभी भी गायब।